हेमंत नामदेवराव नगराय, इस नाम से आज राज्य में हर कोई परिचित है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस का प्रमुख बना दिया गया है। हेमंत नगराय चंद्रपुर और नागपुर की मिट्टी से जुड़े थे, जिसके चलते नागपुर, चंद्रपुर और पूरे विदर्भ की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। उन्हें मुंबई पुलिस का आयुक्त चुने जाने से नागपुर के उनके निवास स्थान में खुशी का वातावरण छाया हुआ है। उनकी की हुई मेहनत के बारे में उनके बड़े भाई दिलीप नगराय और उनके परिवार ने अधिक जानकारी दी। आइए जानते हैं हेमंत नगराय का अब तक का पूरा सफर। पूरे देश में चर्चा का विषय बने हेमंत नगराले ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के जिला परिषद में प्राथमिक शिक्षा ली। उन्होंने नागपुर में रहकर हाई स्कूल और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। हेमंत नगराले ने मुंबई से फाइनेंस में मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। खेलों के शौकीन नगराले का वर्दी वाला करियर साधारण नहीं रहा। हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस बल को एंटिया विस्फोट मामले के बाद मनसुख हिरेन मौत कांड के चलते जो मुंबई पुलिस की बदनामी हुई थी उससे बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उनकी नियुक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे बहुत ही जिद्दी स्वभाव वाले अनुशासित अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। मुन्ना, इस नाम से नगराय परिवार उन्हें जानता है। उनके बड़े भाई दिलीप नगराय ने उनके अतीत को याद करते हुए उनसे जुड़े किस्सों की जानकारी दी। भाऊ बहीण भद्रव जी इथे आमच्या आजोबाकडे शिकत होतो। वडील मध्य प्रदेशमध्ये असल्यामुळे आम्हाला त्यांनी इथे शिक्षणासाठी सोडलं होतं। तिथून मी आणि माझी बहीण यांनी मॅट्रिक पास केलं आणि लहान भाऊ सातव्या वर्गापर्यंत तिथं शिकला आणि त्याच्यानंतर मग आठव्या वर्गात तिथे पटवर्धन हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतलं त्यांनी। तिथे अकरावी बारावी झाल्यानंतर मग VNITला ॲडमिशन मेकॅनिकल ब्रँचमध्ये मिळाल्यावर तिथून त्यांनी मग डिग्री घेतली। त्यानंतर त्यांनी मेकॅनिकल ब्रँच असल्यामुळे अप्परखेडा इथे थर्मल पॉवर स्टेशनला जॉईन झालं। हेमंत नगराय की भाभी दिव्यानी नगराले ने यादों के खजाने को साझा किया। उन्होंने कहा कि वह केवल पढ़ाई में रुचि रखते थे और उन्हें किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वे पहले से ही अनुशासित हैं, लेकिन वे बच्चों से प्यार करते हैं। दिव्यानी नगराले ने कहा कि मेरे तीन बच्चे उनके कंधों पर खेल कर बड़े हुए। वह घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि घर के लोगों को किस बात की जरूरत है। हेमंत नेहमी अभ्यासात असायचा, नेहमी कधीच ते इतर गोष्टीमध्ये कधीच नसायचे, अभ्यासात नेहमी समोर असायचे। तसंच स्पोर्टमध्ये सुद्धा ते नेहमी समोर असायचे। जुडो कराटे खेळायला जायचे ते, आणि त्यांनी तिथे ब्लॅक बेल्ट पण मिळवलेलं आहे। आणि नेहमी त्यांचं धडाडीचं नेतृत्व असायचं, अभ्यासात नेहमी समोर असायचे। इतर गोष्टीमध्ये स्पोर्ट म्हणजे कोणत्याही स्पर्धा असेल त्यातही ते समोर राहायचे। आणि BE केल्यानंतर त्यांनी UPSCची एक्झाम दिली, त्याच्यासाठी ते खूप मेहनत घ्यायचे, अगदी दिवस रात्र। रात्रीसुद्धा ते बसायचे सतत, 8-8:30 नंतर अभ्यासाला सुरुवात करायचे, तर पहाटेपर्यंत 3-3:30 पर्यंत कधी 4 वाजेपर्यंत अभ्यास करायचे। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले समेत कई अहम मामलों की जांच का हिस्सा हेमंत नगराले रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े मामले चुटकी में सुलझाए हैं, जिसके बाद उनकी गिनती तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में की जाने लगी। नगराले महाराष्ट्र कैडर के साल 1987 बैच के IPS अधिकारी है। हेमंत नगराले की काबिलियत को देखते हुए उन्हें शुरुआती समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र चंद्रपुर जिले में पोस्ट किया गया। उन्होंने यहाँ पर 3 साल तक काम किया और कई सेलियों का सफाया कर दिया। इसके बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सोलापुर में बतौर DCP मिली। जब साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वस्त हुआ तो उन्होंने सोलापुर में दंगों की आंच नहीं आने दी और अपने विभिन्न पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर सोलापुर को बचाए रखा। रत्नागिरी जिले में SP के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नगराले ने पेशेवर निपुणता के साथ एनरॉन डाबोल पावर कॉर्पोरेशन से संबंधित भूमि अधिग्रहण समस्या को संभाला।
कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।